हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ रोजिया का हेयर क्रीम पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बॉक्स, ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आया हुआ है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने इसे कट कर लिया है यहाँ से। अब मैं इसे ओपन करती हूँ तो इसके अंदर कुछ इस तरह से है। ये रोजिया का हेयर क्रीम पर इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा था। तो बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा है, अब हम इसे ओपन करेंगे कुछ इस तरह से। बॉक्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी चीप नहीं लग रहा। और ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छे तरीके से पैकेजिंग होके आया है। और ये रहा मेरा हेयर क्रीम पर, अब इसे ओपन करते हैं। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा। तो ये मेरा रोजिया का हेयर क्रीम पर। और यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं और यहाँ से हम इस वायर को इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है और वायर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वायर भी काफ़ी लंबी है। और प्लेट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके। अब ये वर्क कैसे करता है हमें ये देखना है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे LED लाइट दी गई है, इसे ऑन हुआ या नहीं ये हमें पता चलेगा। और यहाँ से हम होल्ड करके अच्छे से क्रिम्पिंग कर सकते हैं अपने बालों में। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे सबसे ज़्यादा इसमें, इसे हम इसे होल्ड कर सकते हैं। ये हिट नहीं होगा आई थिंक। और किसी किसी क्रिम्पर में होता है कि हमें होल्ड करने के लिए नहीं दिया हुआ रहता है तो हमें बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो इसी वजह से। तो ये बहुत अच्छा दिया इन्होंने क्रिम्पिंग के लिए, हम इसे दबा के अच्छे से क्रिम्पिंग कर सकते हैं। तो ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये वर्क कैसे करता है अब हमें ये देखना है। तो मैं अपने बालों पे करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बालों पे क्रिम्पिंग किया है, ये आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है हमारे बालों पे। और इस साइड पे मैंने नहीं किया है। और क्रिम्पिंग करने के बाद हमारे बालों में थोड़ा वॉल्यूम आ जाता है और अच्छा लगता है। तो ये वर्क अच्छा ही वर्क करता है, ठीक ठाक। तो आई थिंक शायद मैंने अच्छे से नहीं किया हो, बट ये वर्क अच्छा करता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं बाल जल जाएंगे या ऐसा कुछ। तो आई थिंक अच्छा वर्क करता है, आप डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इसका रेटिंग बहुत अच्छा है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।